अदनान भाई, ये क्या करते हैं आटा आप? असल में ये है आटा, ये हम खिलाएंगे बम्सी को। बेसिकली ये वो वाला आटा है जो कि फ्लोर मिल से मिलता है, मतलब बाजार का आटा है, और बम्सी को खिलाएंगे। बम्सी आज से पहले आपने अगर नहीं देखा तो बम्सी भी आपको दिखाते हैं, किस तरीके से खिलाना है ये भी आपको दिखाता हूँ, इसका फ़ायदा क्या होता है ये हम बम्सी को खिलाने के बाद ही आपको बताएंगे। और इस तरह की वीडियोज हम डेली आप डालेंगे क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि जानवरों को मतलब किस तरह की खुराक देनी चाहिए। असल में ये खिलाना चाहिए था उसे, मतलब सुबह सुबह जब उसने खाना नहीं खाया हुआ था, मतलब चारा नहीं खाया हुआ था। बेसिकली वो चारा भी खा रहा है और हम उसे खिलाते हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए। हैं इसको किस तरह ये पानी कितना डालना है इसमें? हल्का सा पानी डालना है इसमें, इसको मतलब ज़्यादा नरम नहीं होने देना, हमने ज़्यादा इसको सख्त ही करना है। अच्छा। हल्का सा पानी डाल दिया इसमें, और ये जो मैंने बनाया हुआ है ये तकरीबन मैं 3 जानवरों को खिलाऊंगा या 2 को खिलाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज़्यादा है, अगर इन द केस जब जानवर को इसकी आदत हो जाती है तब तो ये बहुत कम है। वैसे अदनान भाई, आपने कितने जानवर रखे हुए हैं? जानवर तो अभी मतलब हमारे पास अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं जानवर को रखना। वैसे बेसिकली हमारे पास दूध वाले काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं, हमारे पास मतलब फ्रीजन ऑस्ट्रेलियन काउज भी हैं, साहिवाल काउज भी हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ जानवर भी हैं। लेकिन इस टाइम हमारे पास अभी जो है बुल में वो 2 हैं, एक है बम्सी और उसका है एक छोटा भाई। बेसिकली उसकी मदर भी अभी यहीं पर ही खड़ी है। तो ये मैं बता रहा था ये किस तरह खिलाना चाहिए। ये अब बन गया है पूरा? हाँ ये अब बन गया है। देखें इस तरह होना चाहिए, मतलब ये इसे हार्ड ही होना चाहिए, इतना नरम नहीं होना चाहिए, अगर ये नरम हो जाएगा तो गले में अड़ जाएगा। और चले आए बम्सी को खिलाते हैं। बम्सी कौन सा है इनमें से? बम्सी जो इसका ये आटा को देख रहा है, ये देख, ये बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहा है कि ये कब आएगा इसका चारा और कब हम इसको खिलाएंगे। एक्चुअली मैं 2 या 3 दिन से ये खा रहा है, 2 या 3 दिन से ये खा रहा है, तो इसलिए मतलब थोड़ा इसका ये आदि भी हो गया। चले आए इसको किस तरह खिलाते हैं आपको। भाई ये देखें, मैंने एक गोल गोल रोड़ी नुमा बना रहा हूँ अब आटे की, आपको वाज़ नज़र आ रहा हो। बेसिकली इतनी बनाई है मैंने, और ये आप देख लें, ठीक है जी, इतनी बनाई है। और ये बम्सी को देते हैं, आ जाओ, ये देखें, ये जी हमारा प्यारा बम्सी, इसको ऐसे पकड़ के, आ जा, ठीक है जी, आराम से खा जाएगा वो जी। बाकी जो नीचे बचे हैं ये हम वेस्ट नहीं होने देंगे, ये हम इसे नहीं खिलाएंगे, मतलब बाकी खुली में डाल लेंगे, बाकी सारे खा लेंगे। ये हम खुली में डाल लेते हैं, बाकी सारे खा लेंगे। और एक और भी हमें इसे खिलाना है, और भी हमने छोटा सा बना के इसे खिलाना है, मतलब ताकि क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से खिला रहा हूँ इसे। आपने अगर स्टार्ट करना है तो सिर्फ एक ही से करना है, मैं काफ़ी दिनों से खिला रहा हूँ तो इसलिए मैं इसे 2 दूंगा। और इसमें कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, मतलब ये सिर्फ आटा ही है, इसमें कोई भी मतलब कोई ऐसी एडिशनल चीज़, मतलब एनीथिंग, कोई केमिकल, कोई फार्मूले वाला वंडा, कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सा आटा है, फ्लोर मिल से मिलता है, बाज़ार में मिलता है सारा। तो ये जो हम खिलाएंगे याकूत को खिलाएंगे, याकूत जो है बम्सी का छोटा भाई है, असल में लड़ते भी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा ये। आगे यार बम्सी, एक और आपकी दोस्त बाकी। अच्छा ये इसे मैं ज़्यादा तंग नहीं करता, ये खुद खाएगा। ओए तेरी खैर, गिरा दिया ना सारा, इधर आओ इधर इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आप बम्सी का रिजल्ट देखिएगा। अब आज तारीख कितनी है इतना कोई? आज सेकंड है। अच्छा आज सेकंड है, सेकंड नवंबर, सेकंड नवंबर है आज, जो भी डेट है वो आप नोट कर लें, क्योंकि हम तकरीबन 20 दिन बाद ही मतलब इसका रिजल्ट लेंगे।
और ये आप ही जज कीजिएगा कि मतलब ये कितना ग्रोथ करता है। ये कमज़ोर है इसलिए थोड़ा इसे ही खिला रहे हैं, क्योंकि जब ये वज़न कर जाए तो कितना मतलब कि वज़न करता है, और इसका हम वज़न भी करेंगे इंशाल्लाह सून। तो ये हम याकूत को खिलाते हैं, बंसी को छोटा भाई है, इसको मैं लगा रखती हूँ ताकि। याकूत को हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं क्योंकि इसकी एज भी कम है। याकूत इसमें मैंने सही तरीके से बनाया नहीं ना, इसे असल बनाता तो ये आराम से खा जाता। और तेरी खैर गिर गया। अच्छा इसने थोड़ा सा वेस्ट कर दिया, हम इसको और देंगे। हम इसको ये सारा देंगे, ये जो भी बचा हुआ ये सारा ये ऐसे ही खाएगा। चल याकूब खा जा। बंसी रुक जा रुक जा। असल में याकूत और बंसी की बनती नहीं ना आपस में, तो ये लड़ते रहते हैं इसलिए। बंसी यार हट जा। बंसे याकूत और बंसी की बहुत ही कम बनती है, इसलिए हमेशा ही लड़ाई करते रहते हैं। बंसी को मैं ज़्यादा खिला चुका हूँ, तो इसलिए बंसी को ये ज़रा भी मैं नहीं खिलाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा थोड़ी सी भी मिकदार ज़्यादा होने से नुकसान हो सकता है। और इंशाल्लाह ये हम इसका रिज़ल्ट भी लेंगे, आपको रिज़ल्ट लेके देंगे, मतलब इसका वज़न भी करेंगे हम इंशाल्लाह सो। तो अभी आप इसकी हालत देख लें बंसी की और याकूत की, 20 दिन के बाद इसकी हालत क्या होगी वो मैं आपको दिखाऊँगा। बस ये सफ़र चट। अच्छा आपने कहा था कि बंसी की मदर भी यहीं ठहरी, वो कौन सी? हाँ वो है अजवा, ये खड़ी है अजवा। हमारे पास काफ़ी टाइम से है, जब बंसी तकरीबन अजवा के पेट में था तो हमने अजवा को परचेज़ किया था, और आज हमने यहाँ से इससे हम एक तो दूध भी ले रहे हैं, दूसरा हमने इससे एक बंसी भी ली है और याकूत भी ली है। अभी तो ये खाली है या प्रेग्नेंट? नहीं अभी ये माशाल्लाह 5 मंथ की प्रेग्नेंट है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह फ़िलहाल इसको भी सेल करने का इरादा है हमारा। तो बंसी और क्या वजह सेल करने का? अदनान भाई वो इसलिए क्योंकि जगह की कमी है, सर्दियां आ रही हैं, और सर्दियों में एक तो अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं जानवर को अगर सर्दी लगनी हो ना उसके ये बाल बड़े हो जाते हैं। हाँ तो ये कुदरती नेचुरली तरीका है कि उसके बाल बड़े हो जाते हैं, और सर्दी से उसे कुदरती ही मतलब कि राहत मिली रहती है, सर्दी नहीं लगनी। तो सर्दी आ रही है इसलिए मतलब हम अभी इसको रोक इसलिए रहे हैं मतलब अपने प्रोग्राम को, क्योंकि जगह